लखीसराय के कबैया पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। एसआईटी की टीम और कबैया पुलिस ने मोबाइल चोरी करने वाले गिरोह के 7 सदस्य को चोरी के 10 मोबाइल के साथ गिरफ्तार कर लिया है। एएसपी रोशन कुमार ने कहा कि शहर में इन दिनों लगातार मोबाइल चोरी की घटना में इजाफा हुआ है। लोगों को पता भी नहीं चलता और उनका मोबाइल गायब हो जाता था। पुलिस को मिल रहे लगातार शिकायत के बाद एसपी पंकज कुमार के नेतृत्व में एसआईटी टीम का गठन किया गया, जिसके बाद पुलिस ने पंजाबी मोहल्ला से एक को गिरफ्तार किया। एसआईटी टीम ने गिरफ्तार चोर के निशानदेही पर 6 और लोगों को विभिन्न जगहों से छापेमारी कर गिरफ्तार किया। इन लोगों के पास से चोरी के 10 मोबाइल भी बरामद किए गए। सभी गिरफ्तार चोर साहिबगंज झारखंड के रहने वाले बताए जा रहे हैं। एएसपी रोशन कुमार ने बताया कि यह गिरोह पटना, भागलपुर, लखीसराय समेत अन्य जिलों में काफी सक्रिय है और इन लोगों के द्वारा बाजार या फिर अन्य जगहों से मोबाइल चोरी की घटना को अंजाम दिया जा रहा था। ये विगत कुछ दिनों में लखीसराय में काफी सारे कंप्लेंट आ रहे थे कि लोगों का मोबाइल गुम हो रहा है, उनको पता भी नहीं चलता था कि ये घटना कैसे हुआ, मोबाइल गिर गया या चोरी हुआ पता नहीं, तो इस संबंध में कई लोग सना करते हैं। तो इसी चीज इसके सेंसिटिविटी को देखते हुए स्पेशल केंद्रेस में जो कवैया थाना अध्यक्ष वैभव कुमार, एसआई रणधीर कुमार, कुमार संजीव जो डीआईयू के हैं, और एएसआई कृत्यानंद और टाइगर मोबाइल के नेतृत्व में लोग एक्टिव थे। काफ़ी सारा सूचना मिलने की वजह से उसी दौरान पता चला कि एक गिरोह है जिसमें एक सरगना है, वो कुछ लोगों को यहाँ लेकर आया है जो अलग अलग जैसे मोबाइल चोरी से लेके उसको सप्लाई करता है, फिर वो उनको यहाँ से पार कराता है। तो इसी में एक बरामद लड़का जो पकड़ाया उसके सुनील कुमार मोनिया, उसके बाद एक एक करके करीब वो बताता गया कि वो मोबाइल किसको देता है, कैसे करके टोटल इसमें 7 लोग लखीसराय से गिरफ्तार किए गए, जिनके पास टोटल 10 मोबाइल बरामद हुआ। और इनका एक सरगना है जो इन सबको काम दिलाने के नाम पे कुछ तो बहला फुसला के लेके आता था, बड़े काम करवा था, तो उसको वो भी फरार, उसके संबंध में हम लोग को उसका नाम पता और बाकी सारा डिटेल्स मिला। तो उसकी गिरफ्तारी के बाद ये पूरे मामले को मतलब लॉजिकल एंड मिलेगा। ये विगत कुछ दिनों में लखीसराय में काफ़ी सारे कंप्लेंट आ रहे थे कि लोगों का मोबाइल गुम हो रहा है, उनको पता भी नहीं चलता था कि ये घटना कैसे हुआ, मोबाइल गिर गया या चोरी हुआ पता नहीं, तो इस संबंध में कई लोग सना करते हैं। तो इसी चीज इसके सेंसिटिविटी को देखते हुए स्पेशल केंद्रेस में जो कवैया थाना अध्यक्ष वैभव कुमार, एसआई रणधीर कुमार, कुमार संजीव जो डीआईयू के हैं, और एएसआई कृत्यानंद